नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। बता दें, पीएम मोदी आज से 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। वहीं मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर तब जब रूस की सेना ने वहां के कुछ नए क्षेत्रों में अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन पलामू में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जानकारी अधिकारियों से लेंगे। साथ ही पलामू दौरे के दौरान सीएम लाभुकों के लिए राशि भी जारी करेंगे और लाभुकों से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन का ये पहला पलामू दौरा होगा। SC ST आरक्षण मामले को लेकर कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय को लेकर कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने भी समर्थन दिया। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज मध्य प्रदेश के लोधीखेड़ा के दौरे पर रहेंगे। वे नागपुर से सड़क मार्ग होते हुए सुबह 11 बजे लोधीखेड़ा स्थित श्री बाबा जी महाराज ग्रामस्थ आश्रम पहुंचेंगे। उनका ये निजी कार्यक्रम है, यहां करीब 2 घंटे रहेंगे। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इन दिनों दिल्ली में है, वो आज रांची लौटेंगे। कांग्रेस भवन में आयोजित स्वागत समारोह में नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को वर्णी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर प्रभार सौंपेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:30 बजे से आयोजित होगा। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेंज के 4 जिलों में संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस फोर्स तैनात की जाए। मोटोरोला अपने जी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोटो G45 5G स्मार्टफोन को आज लॉन्च करने वाली है। आपको बता दें, मोटोरोला की तरफ से ये किफायती 5G फोन होने वाला है। फोन की खास बात यह है कि इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट मिलने वाला है, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलेगी। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें, बिहार के समस्तीपुर जिले में आज रोजगार कार्यालय द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आज समस्तीपुर जिले के सरायरंजन ब्लॉक परिसर स्थित KYP में होने वाला है। इस जॉब कैंप में 10वीं पास इच्छुक उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। कानपुर देहात में किसान दिवस का आयोजन आज विकास भवन सभागार में किया जाएगा। यह आयोजन प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किया जाता है, जिसका उद्देश्य कृषकों की समस्याओं के निराकरण करना और उन्हें विभागीय योजनाओं और नवीनतम कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी देना है। रांची झारखंड फिलहाल मॉनसून सक्रिय है। वहीं कई दिनों से हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल में भारी बारिश हो सकती है, वहीं कई जगहों पर गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1931 में आज ही के दिन पंडित विष्णु दिगंबर का निधन हुआ था। साल 1972 में आज ही के दिन भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। साल 1988 में आज ही के दिन भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से 1000 लोगों की मौत हुई थी। साल 2006 में आज ही के दिन भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन हुआ था। साल 2008 में आज ही के दिन मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।